नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज सिलवानी में नगरवासियों द्वारा मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। 30/7/2020 में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी परगना आरून जिला गुना मध्य प्रदेश के निर्देश पर पत्र क्रमांक री 2 2020/1928 के माध्यम से पूर्व संघ प्रचारक एवं समाज सेवी चेतन भार्गव और उनके अन्य साथियों पर लोगों के बीच जाकर मास्क बांटने व कोरोना से बचाव हेतु समझाइश देने के दौरान थाना प्रभारी आरून द्वारा षड्यंत्र पूर्वक 188, 269, 270 व अन्य धाराओं के तहत चेतन भार्गव व अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया, जबकि लॉकडाउन के काल अन्य राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी शासन प्रशासन को है, परंतु अधिकारियों द्वारा संबंधितों के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि आदरणीय चेतन भार्गव द्वारा किए गए सेवा कार्यों के विरुद्ध FIR षड्यंत्रकारी है। सभी नगरवासियों ने मुख्यमंत्री व गृह मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी सिलवानी को ज्ञापन दिया और मांग की गई कि अगर चेतन भार्गव व अन्य साथियों के खिलाफ की गई FIR को नहीं काटा गया तो हम सभी स्वयंसेवक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में संजय मस्ताना, मुकेश राय, श्याम साहू, जय बाबू जैन, प्रदीप कुशवाहा, आलोक रघुवंशी, अरविंद पाठक, सीताराम साहू, गोविंद नामदेव, राधेश्याम साहू, राजीव समैया, संयम सराठे, प्रियांश राजपूत, सौरभ रघुवंशी, कार्तिक रघुवंशी, पुष्पेंद्र भार्गव, अनिल साहू, सिद्धार्थ मस्ताना, मयंक रीमा आदि उपस्थित रहे। सब लोग पता, हमारे संघ के पूर्व प्रचारक आदरणीय श्री चेतन जी भार्गव, जो कि गुना का जो आरोन है वहाँ पर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे थे, एक बहुत अच्छे समाज सेवक और एक हमारे संघ के पूर्व प्रचारक है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक एवं राजनीतिक द्वेष भावना से कुछ लोगों ने उन पर FIR दर्ज करी है। हम सब लोग, लाखों लोग उनका दिल से सम्मान करते हैं, इसलिए हम सभी प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस FIR को वापस लिया जाए, नहीं तो हम सब लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। ऐसे इसी के तहत कई राजनीतिक रैलियां पूरे प्रदेश के अंदर हो रही हैं, तो प्रशासन से यही मांग है, जल्द से जल्द इस FIR को वापस लिया जाए, नहीं तो हम सब कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरना पड़ेगा।